Hello everyone welcome back to Mumtanival tutorial and guys in this video we will focus on some other MCQ which will be based on biology subject okay we will taking the class 11th and 12th class syllabus in this video so all these questions all these MCQs will be based on 11th and 12th class biology so let's start with the questions क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया देखो हीमोफीलिया क्या होता है इट इज अ डिसऑर्डर किस चीज़ का डिसऑर्डर ब्लड का डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है यानी अगर आपके पास ये आपका हाथ है और हाथ पे कहीं पे भी यानी हाथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पे ही कहीं पे भी अगर कहीं कट लग जाता है तो उससे क्या होगा ब्लड बहना शुरू हो जाता है नॉर्मली सभी का बहता है लेकिन वो एक पॉइंट पे आके क्या होता है क्लॉट हो जाता है वहाँ पे रुक जाता है खून जमना शुरू हो जाता है लेकिन जिनको हीमोफीलिया होता है उनके अंदर ये जमना जो प्रोसेस होता है ये बंद हो जाता है क्लॉटिंग जो ब्लड की होगी वो बंद हो जाती है अगर कहीं कट लग गया तो वो बहता चलेगा पानी और सॉरी ब्लड और उसमें कोई भी चीज़ कोई मतलब ऐसा नहीं होगा क्लॉटिंग नहीं होगी अब ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा है जब भी भी हीमोफीलिया होता है हीमोफीलिया हमेशा जो एक्स लिंगड होता है यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये पाया जाता है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक है और हीमोफीलिया मोस्टली किस में होता है फीमेल के केस में होता है क्योंकि मेल के केस में हमारे पास क्या होगा एक्स वाई होता है एक्स वाई वहाँ पे है लेकिन ये क्या होता है एक्स क्रोमोजोम से यानी एक्स तो लिंक्ड है ही साथ में ये रिसेसिव होता है जब भी भी हमारे पास कोई भी चीज़ रिसेसिव होगी कैरेक्टर जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो वो हमेशा होमोजाइगस होना चाहिए यानी होमोजाइगस अगर होंगे दोनों के दोनों सेम होंगे रिसेसिव वाला तभी अपने आपको दिखाता है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव में ही प्रेजेंट हो तो जब ये होमोजाइगस रिसेसिव दोनों के दोनों साथ में मिलेंगे यानी ये भी हमारे पास क्या है हमारे पास हीमोफीलिया यानी एच हम लिख देते हैं इसमें भी और इसमें भी तो अब हमारे पास जो ये फीमेल बनेगी तो ये क्या होगी हीमोफीलिक फीमेल बनेगी तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं फीमेल के अंदर इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं सिर्फ तब जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये चीज याद रखो जो मतलब फीमेल में कब दिख रहा है जब वो होमोजाइगस होमो वाली कंडीशन में है सेम है दोनों रिसेसिव आ रहे हैं कैरेक्टर तो वो दिखेगा ठीक है तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास जो थर्ड है यानी एक्स लिंक्ड होता है सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस देखो हम कहाँ पे थे जैसे एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव जीन था हम ये तो मान ही रहे हैं कि एक्स लिंक्ड है और साथ में ये रिसेसिव जीन है डिसऑर्डर का देखो इसमें कभी भी कंफ्यूज आप कभी भी नहीं होना कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल में चांसेस ज़्यादा नहीं नॉर्मली क्या होगा अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी एक जीन आ जाती है कोई भी एक जीन अगर ऐसी आ गई है जिसके ऊपर हीमोफीलिया है तो मेल के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं मेल के पास एक एक्स तो आना ही है अगर वो एक्स हमारे पास हीमोफिलिक वाला एक्स आ जाता है तो मेल तो हमेशा ही वो बनेगा हीमोफिलिक बन जाएगा फीमेल के अंदर सिर्फ तभी के तभी ऑप्शन होता है जब हमारे पास क्या है दोनों के दोनों अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं तभी वो हमारा हीमोफिलिक फीमेल बनेगी अदरवाइज वो क्या होगी एक कैरियर ही होगी तो ये चीज आप कंफ्यूज ना होना इसके अंदर ऑप्शन तो जो सी आएगा यानी थर्ड आएगा ये इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही सिंपल सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर इंड्यूसर कौन सा होना चाहिए फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन जो लैक ऑपरॉन होता है उसके एक्सप्रेशन के लिए इंड्यूसर इनमें से कौन सा चाहिए वो बताना है एक बार हम पूरा डायग्राम देखते हैं जो लैक ओपर होता है उसका डायग्राम कैसा होता है जो आपको याद रखना है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होती है ये प्रमोटर हो गया ये हमारे पास आई है आई किसको डिनोट करता है इनही को डिनोट करता है ठीक है इंड्यूसर मत समझ लेना आई का मतलब ये इन होता है पी हमारे पास प्रमोटर है ओ हमारे पास ऑपरेटर यानी जो हमारे पास ऑपरेशन करेगा ठीक है आगे परफॉर्म करना होता है कोई भी फंक्शन तो उसको ऑपरेशन बोलेंगे तो ये ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करेगा उसको दूसरा हमारे पास क्या है ये जेड है और ये वाई है और एक हमारे पास क्या होता है ए होता है ये तीनों की तीनों क्या होती हैं स्ट्रक्चरल जीन होती हैं जो आगे जाके कोई भी आर एन वगैरह जो बनाना है वो यही बना पाती हैं अगर हमारे पास यहाँ से एक हमारे पास क्या बनेगा री बनेगा री प्रेशर एम प्रेशर एम कहाँ से हमारे पास इनहिबिटर ने ये बना दिया अब इससे हमारे पास क्या बनेगा रीप्रेशर बन जाएगा ये है हमारे पास रीप्रेशर रीप्रेशर का, का काम क्या होगा देखो इनहिबिटर है तो वो क्या चीज़ करेगा कुछ भी चीज़ इनहिबिट करने के लिए करेगा तो ये हमारे पास सीधा ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा और पूरे फंक्शन को क्या कर देगा रोक देगा यानी आगे हमारे पास कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा अगर हमारे पास किस में है ये किसके केस में होगा इन एबसेंस ऑफ़ इंड्यूसर कोई इंड्यूसर की हमने बात ही नहीं करी है तो एब्सेंस है इंड्यूसर का तो हमारे पास ऐसा होगा इंड्यूसर नहीं है तो अभी एक्टिवेट नहीं होगा अगर इंड्यूसर हो तो हमारे पास क्या होंगी सेम वही चीज़ बनेगी ये प्रोमोटर ये हमारे पास क्या चीज़ है इनहिबिटर और ये हमारे पास प्रोमोटर ये ऑपरेटर और ये हमारे पास जेड Y और A ठीक है ये हमारे पास जो लैक ओप्रोन है वो पूरा पूरा हमारे पास प्रेजेंट है अब फिर से इन्होंने क्या किया जो इनहिबिटर होगा वो क्या बनाएगा एक रिप्रेशर एम आर एन बनाएगा और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा एक रिप्रेशर बन जाएगा लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या चीज़ है इंड्यूसर प्रेजेंट है ये आप मान लो ये क्या है इंड्यूसर और ये इंड्यूसर क्या करेगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड होके इसको क्या कर देगा इनएक्टिव कर देगा अब ये बाइंड होने की वजह से ये कहाँ पे ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड नहीं होगा जैसे ही बाइंड नहीं हुआ अब हमारे पास क्या है एक स्ट्रक्चरल जीन जो हमारे पास Z, Y और a है ये सारे के सारे क्या बनाएंगे एक लैक एम आर एन प्रोड्यूस करेंगे एक एम आर एन प्रोड्यूस हो गया किसके थ्रू ये प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं ट्रांस क्रिप्शन बोलते हैं सी आना चाहिए था फिर से लिख देते हैं ट्रांसक्रिप्शन ठीक है ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब हमारे पास मेन चीज क्या होती है कि प्रोटीन बने इससे तो वो किस प्रोसेस से हो जाएगा हमारे पास उससे पहले हमारे पास क्या आएगा ट्रांसलेशन आएगा ट्रांसलेशन के टाइम पे हमारे पास जो जेड वाली जीन जीन होगी वो हमारे पास क्या होगी बीटा गैलेक्टो गैलेक्टोसाइडीज को प्रोड्यूस करेगी ठीक है सेम ऐसे ही जो हमारे पास वाई वाली जीन है वो क्या प्रोड्यूस करेगी पर मेज ये इंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस करेगी ए जो ए वाली है वो क्या है ट्रांस एसीटाइलेज को प्रोड्यूस करेगी अब देखो हमारे पास सारी चीज है अब लैक ऑपरोन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप सारी चीज बता सकते हो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जेड जीन क्या प्रोड्यूस करती है कौन सा प्रोटीन बनाएगी या इंजाइम बनाएगी क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी अब मेन चीज इसमें थी कि ये जो इंड्यूसर आ रहा है ये इंड्यूसर क्या चीज होती है तो हमेशा ये जो इंड्यूसर होगा ये क्या होगा ये लैक्टोज होगा ठीक है लैक्टोज क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज के अंदर हमारे पास ये वाला फंक्शन हो रहा है पूरा का पूरा परफॉर्म हो रहा है तो इंड्यूसर क्या है एज अ लैक्टोज हमारा इंड्यूसर है जो कि रिप्रेशर वाले एरिया को उसको इनएक्टिव कर देता है इसको रिप्रेशर को इनएक्टिव कर दिया वो ऑपरेटर के साथ नहीं बढ़ बाइंड कर पाए

ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी डॉर्फ भी हमारे पास बिल्कुल रिसेसिव वाला भी है गार्डन पी प्लांट वेन दी एफ वन प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशो ऑफ अब देखो हमारे पास क्या है पहली चीज आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस वर्ड का मतलब क्या होता है होमोजाइगस का मतलब होगा जब भी भी हमारे पास कोई भी चीज़ है यानी दोनों के दोनों या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट कर रहे हैं वो वाले कैरेक्टर हैं या दोनों के दोनों रिसेसिव है यानी दोनों चीज़ अगर सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं हेट्रोजाइगस में क्या होगा एक हमारे पास डोमिनेंट है और दूसरा हमारे पास क्या है रिसेसिव वाला है उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं ट्रू ब्रीड हमेशा क्या होती है हमेशा होमोजाइगस होगी ट्रू ब्रीड तो ट्रू ब्रीड वो क्या कह रहा है कि वो टॉल वाली ट्रू ब्रीड है तो हमेशा हाइट के अंदर हमारे पास टॉल वाली चीज़ को हम कैपिटल यानी डोमिनेट वाली चीज़ को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं तो हमारे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी हम यही लिख देते हैं प्योर टॉल ठीक है प्योर टॉल हमारे पास ये आ गया एक हमारे पास था अ टॉल ट्री अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विफ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट देखो अब हमारे पास किसके साथ क्रॉस करवा रहे हम जो ट्रू ब्रीड है यानी प्योर ड्वार्फ ड्रा, जो होंगे वो कहलाएंगे इसके अंदर तो बिल्कुल प्योर ड्वार्फ वाले यानी होमोजाइगस कंडीशन इसमें है अब देखो हमारे पास गैमेट कौन से बन सकते हैं एक यहाँ से टॉल ही आएगा टी आएगा कैपिटल ही आएगा चाहिए वाला ले लो चाहिए वाला कोई सा भी आ जाएगा तो टॉल ही आएगा ये वाले में से ये वाले में से दोनों में से कोई सा भी आ जाए स्मॉल टी ही आएगा कोई और टी तो आ ही नहीं सकता तो एफ वन जनरेशन तो हमारे पास डायरेक्टली निकल जाएगी ये हमारे पास क्या है एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेन प्रॉब्लम जो समझने की होती है वो एफ टू में होती है तो एक कैपिटल आएगा एक स्मॉल आएगा यानी सारे के सारे हमारे पास इसी कैरेक्टर के आएंगे यानी देखने में तो वो क्या होंगे सारे टॉल होंगे लेकिन अंदर से अगर जीनो उसकी देखें तो जीनो कैसी होगी उसकी हेट्रोजाइगस होगी प्योर नहीं है अब ये अब हमारे पास क्या हुआ एफ़ टू जनरेशन देखेंगे एफ़ टू जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ करते हैं जो भी एफ वन जनरेशन में आता है उसी की सेल्फिंग करवाते हैं यानी अब हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अब इनको पेरेंट मान के आगे क्रॉसिंग करवाएंगे अब देखो हम इसके लिए पनित स्क्वायर बनाते हैं ये हमारे पास बन गया पनित स्क्वायर ठीक है ये देखो अब हम एक साइड पे तो जैसे ये अगर हमारे पास मेल साइड का ले रहे हैं एक हम ले रहे हैं फीमेल वाले यानी मेल जो है हमारे पास ये है तो उसके गैमेट्स लिख देंगे एक कैपिटल आ सकता है एक स्मॉल आ सकता है दो ही चांस है फीमेल के अंदर भी हमारे पास क्या है एक कैपिटल आ सकता है और एक स्मॉल आता है फीमेल के हमने जो गैमेट्स हम यहाँ लिख दिए मेल के नीचे लिख दिए अब देखो दोनों को क्रॉस करके देखते हैं टी टी आ जाएगा यहाँ टी और स्मॉल टी इधर से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है ये वाला टी और छोटे वाला ऊपर से आ गया इधर से हमारे पास छोटा टी और छोटा टी अब देखो हमारे पास क्या चीज़ आई है जो जीनोटाइप है वो क्या चीज़ है हमारे पास एक हमारे पास क्या है पूरे कैपिटल वाले मतलब टॉल वाला चीज आई है ठीक है ये हमारे पास क्या है एक में है ठीक है दूसरा हमारे पास क्या है दो हमारे पास हैट्रोजाइगस कंडीशन आई है ये हमारे पास कितनी आई हैं दो हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक हमारे पास क्या है होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन आई यानी हमारे पास जो फिनोटाइप होगा फिनोटाइप हमारे पास क्या चीज़ आएगी फिनोटाइप तो हमारे पास थ्री रेशो वन आएगा लेकिन जीनोटाइप जो होगी वो हमारे पास क्या होगी वन रेशो टू रेशो वन आएगी अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था सेल्फिंग हो गई है जीनो टाइप पूछिए जीनो टाइप वर इन द रेशो ऑफ जीनो टाइप हमें पूछना है कि जीनो टाइप क्या चीज आएगी तो जीनो टाइप हमारे पास क्या आएगी वन रेशो टू रेशो वन जिसमें पहला जो होगा वो क्या है टॉल होमोजाइगस था सारे के सारे कैपिटल थे तो ये हम क्या है दोनों कैपिटल वाली चीज आएगी फिर हेट्रोजाइगस क्या है जो हमारे पास हैट्रोज यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल ऐसे कितने थे दो थे तो दो हमारे पास ये आ गए और एक हमारे पास क्या था डुआर्फ था तो कंडीशन कौन सी आएगी सेकेंड सेकेंड हमारी सही है तो गाइज मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही इन क्वेश्चन में तो प्लीज़ आज मी इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो